नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कैन इंडिया पर। जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जो कर्मचारी हैं, अनुबंधित जो कर्मचारी हैं, उनको लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों से साझा करनी है। जो हरियाणा सरकार है, जो पहले से जो अनुबंधन की पॉलिसी चली आ रही है उसे अब ख़त्म कर दिया, उसके स्थान पे अब नई डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सनल पॉलिसी 2022 जो कि 1 अप्रैल से लागू कर दी है। इसमें रहने वाला क्या है कि जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम है वो अब अनुबंधन पर कर्मचारियों को रखेगा। इसमें क्या होगा कि जिन विभागों में कर्मचारियों की आवश्यकता है वो हरियाणा रोजगार कौशल निगम उन्हें प्रोवाइड करवाएगा और उन कर्मचारियों के वेतन का 1% कमीशन के तौर पर हरियाणा रोजगार कौशल निगम उन लोगों से लेगा। ये जो नई पॉलिसी आई है उसके अंदर नौकरी मेरिट के आधार पे दी जाएगी। मेरिट में अधिकतम जो अंक रहेंगे वो 150 रहेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक रहने वाले हैं 50। वो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में जिस व्यक्ति का पंजीकरण है उसे वो अंक दिए जाएंगे, और उसके बाद में जो 40 अंक हैं वो आपकी पारिवारिक आय है उसके आधार पे दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा 40 अंक उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जिसकी पारिवारिक आय है वो 1,80,000 रुपये से कम है, और जिनकी आय 1,80,000 से लेकर 2,50,000 रुपये तक है उन्हें 30 अंक दिए जाएंगे, और जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 रुपये से 4,00,000 रुपये तक है उन्हें 20 अंक दिए जाएंगे, और इसी प्रकार 4,00,000 से 6,00,000 तक जिनकी पारिवारिक आय है उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। यानी कि स्पष्ट है कि जो गरीब है उन्हें नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, और इसी प्रकार है कि उम्र है उसके अनुरूप भी उसे अंक दिए जाएंगे। जैसे कि जो इसकी उम्र 18 से 24 वर्ष है उसे 5 अंक दिए जाएंगे, जिसकी 24 से 30 वर्ष है उसे 10 अंक दिए जाएंगे, और जिसकी उम्र 30 से 36 है उन्हें सबसे ज़्यादा 15 पॉइंट दिए जाएंगे, और 36 से लेकर 40 जिनकी उम्र है उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। अब बात आती है कि ये 150 पॉइंट है वो किन किन कैटेगरी में कैसे कैसे डिवाइड हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है पारिवारिक आय है उसके 40 अंक दिए जाएंगे, उम्र के 15 अंक दिए जाएंगे, स्किल क्वालिफिकेशन के 20 अंक दिए जाएंगे, सामाजिक आर्थिक आधार पे 5 अंक दिए जाएंगे, सीईटी के 10 अंक दिए जाएंगे, और जो व्यक्ति जो उम्मीदवार उसी जिले का है जहाँ पर ये अनुबंधन की नौकरी निकली हुई है तो उसे 10 अंक दिए जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है उसके 50 अंक दिए जाएंगे। इन 150 अंक में से जिस व्यक्ति के ज़्यादा अंक होंगे उसे अनुबंधन पर रख लिया जाएगा, और जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के दोनों के अंक समान रहते हैं तो वहाँ पर आयु और प्राथमिकता दी जाएगी, वो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को दी जाएगी। ऐसा कुछ मेरिट का विवरण रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये जो जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जितने भी कर्मचारी रखे जाएंगे वो इसी पॉलिसी के आधार पर रखे जाएंगे। इसमें कुछ कर्मचारी हैं जिन्हें बाहर भी रखा गया है, जैसे कि सफाई कर्मचारी, हाउसकीपर, हार्टोन, आंगनवाड़ी वर्कर, ये इस पॉलिसी के अंदर नहीं आने वाले हैं। तो ये थी एक अनुबंधित जो कर्मचारी है उनसे संबंधित ये नई पॉलिसी है, ये नई जानकारी थी, और इसी प्रकार की नई जानकारी, नई पॉलिसी और नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।